हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं, झूठ बोलने के मामले में तुम सबसे आगे हो, खाना पकाने के मामले में मेरी माँ सबसे अच्छी है, पढ़ने के मामले में तुम सबसे पीछे, बोलते बोलते हिचकी भी आ जाती है इसी वक्त। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के मामले में लोग लापरवाह हो रहे हैं, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने के मामले में तुम सबसे आगे हो, इंग्लिश बोलने के मामले में वह जीरो है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं? यहाँ पर के मामले में, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं के हिसाब से, झूठ बोलने के हिसाब से तुम सबसे आगे हो। तो के मामले में या के हिसाब से, या सबसे आगे या सबसे पीछे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहले जानते हैं के मामले में और के हिसाब से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन टर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ इस फ्रेज का यूज किया जाता है। और सबसे आगे के लिए द फर्स्ट का यूज करते हैं, और सबसे पीछे के लिए द लास्ट, द लास्ट और द फर्स्ट। इन सेंटेंसेस को आप दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा उसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर आगे पीछे होगा। तो सबसे पहले राइट करेंगे इन टर्म ऑफ, उसके बाद कोई नाउन या अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म बिफोर राइट करेंगे, नाउन आएगा तो नाउन, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइट करेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स राइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे कमा, और कमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस राइट कर देंगे। यदि आप चाहे तो सेंटेंस को पहले लिखिए और उसके बाद लगा दीजिए इन टर्म ऑफ कोई नाउन या वर्बल नाउन, बिफोर ऐड करेंगे और लास्ट में अदर वर्ड्स। याद रखिएगा, यदि आप इन टर्म ऑफ का यूज स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पर सेंटेंस को एंडिंग होने के बाद एक कमा राइट करना पड़ेगा, और कमा लिखने के बाद सेंटेंस राइट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी बेहतरीन तरीके समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, झूठ बोलने के मामले में तुम सबसे आगे हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन टर्म ऑफ टेलिंग अ लाई यू आर द फर्स्ट, इन टर्म ऑफ टेलिंग अ लाई यू आर द फर्स्ट। यू कैन ऑल्सो से यूर द फर्स्ट इन टर्म ऑफ लाइंग, यूर द फर्स्ट इन टर्म ऑफ लाइंग। झूठ बोलना, इसको हम लोग लाई या टेल अ लाई दोनों वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, खाना पकाने के मामले में मेरी माँ सबसे अच्छी है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन टर्म ऑफ कुकिंग फूड माई मदर इज़ द बेस्ट, इन टर्म ऑफ कुकिंग फूड माई मदर इज़ द बेस्ट, या माई मदर इज़ द बेस्ट इन टर्म ऑफ कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ने के मामले में तुम सबसे पीछे हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यूर द लास्ट, यू आर को शॉर्ट में योर पढ़ते हैं, यूर द लास्ट इन टर्म ऑफ स्टडिंग, यूर द लास्ट इन टर्म ऑफ स्टडिंग, या स्टडीज भी कर सकते हैं नाउन यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस, स्वास्थ्य के मामले में लोग लापरवाह हो रहे हैं। तो हो रहे हैं यहाँ पर गेटिंग या बिकमिंग से बनाया जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे पीपल आर बिकमिंग केयरलेस इन टर्म ऑफ हेल्थ, पीपल आर गेटिंग केयरलेस इन टर्म ऑफ हेल्थ। गेटिंग और बिकमिंग दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने के मामले में तुम सबसे आगे हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यूर द फर्स्ट इन टर्म ऑफ परचेजिंग थिंग्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, यूर द फर्स्ट इन टर्म ऑफ परचेजिंग थिंग्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, या बाइंग थिंग्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट। आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं थिंग के जगह। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश बोलने के मामले में वह जीरो है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज पुअर इन टर्म ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज पुअर इन टर्म ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या इन टर्म ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश ही इज पुअर। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी, लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई, जैसे तैसे मैंने परीक्षा पास किया, जैसे तैसे तुमने इसे पूरा कर ही दिया, जैसे तैसे तुमने लैपटॉप खोल ही दिया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है?
लिमिट एल यू, यहाँ पर जो फ्रेज आया है जैसे तैसे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं समहाउ। समहाउ मीन्स जैसे तैसे, किसी तरीके से मैनेज करके। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे समहाउ, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर को और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला एग्जांपल है, जैसे तैसे वहाँ से भागकर मैंने अपनी जान बचाई। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे समहाउ आई सेव्ड माई लाइफ आफ्टर रनिंग फ्रॉम देयर। समहाउ आई सेव्ड माई लाइफ आफ्टर रनिंग फ्रॉम देयर, ये आप कह सकते हैं। Somehow I saved my life having run from there, या having fled away from there. Next sentence, जैसे तैसे मैं परीक्षा पास कर पाया। तो पाया, पाई, पाए, इसको could की मदद से या नहीं तो managed to की मदद से बनाया जाता है। ज़्यादातर लोग managed to से बनाते हैं। तो इस sentence के लिए बोलेंगे Somehow I managed to pass the examination. Somehow I managed to pass the examination, ये आप कह सकते हैं। Somehow I could pass the examination. Next sentence, जैसे तैसे तुमने इसे पूरा कर ही दिया। तो इस sentence के लिए बोलेंगे Somehow you have finished it. Somehow you have finished it या completed it। यदि आपको sense ऐसे देना हो, जैसे तैसे तुमने उसे पूरा कर ही दिया था, तब हम लोग बोलेंगे Somehow you completed it. Somehow you completed it. अगर और जोर देना चाहते हैं तो Somehow you did complete this. Somehow you did complete this. Next sentence, जैसे तैसे तुमने लैपटॉप खोल ही दिया। Somehow you started the laptop. Somehow you started the laptop. खोलने का मतलब है कि स्टार्ट कर देना, तो इसको स्टार्ट ही बोलते हैं। जैसे तैसे हम लोग यहाँ पहुँच ही गए। तो सेंटेंस के लिए बोलेंगे We reached here somehow. या somehow we reached here. हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी देख लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकॉन को वेट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।